Hello everyone, welcome to VCS classes. In this video we will discuss about the water pollution. What are the causes of water pollution, what is the effect of water pollution, and how water pollution can be avoided. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है. जब भी हमारी वाटर बॉडी सच एज लेक्स, रिवर, ओशन और ग्राउंड वाटर जब कंटेमिनेट हो जाता है थ्रू एनी हार्मफुल सब्सटेंस और थ्रू एनी काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, जनरली दीज पोल्यूटेंट और हार्मफुल सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द रिवर सिस्टम थ्रू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, थ्रू वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे एक्वेटिक सिस्टम पे या ह्यूमन हेल्थ और हमारे एनवायरमेंट पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या मेजर कारण है. ठीक है, सबसे पहले है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिलीजेज ए रेंज ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग हैवी मेटल, टॉक्सिक केमिकल, ऑर्गेनिक कंपाउंड. इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड कैन कंटेन ए हार्मफुल सब्सटेंस दैट कैन डिग्रेड द वाटर क्वालिटी. जल्दी क्या होता है, जब हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज होते हैं वहाँ से हमारे बहुत सारे हैवी मेटल, टॉक्सिक केमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं. कई बार हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज होते हैं वहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी निकलता है. अगर हम उसको अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट ना दें तो वह हमारे फर्दर जब उनको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, हमारी वाटर क्वालिटी को बहुत हद तक डिग्रेड कर देता है. तो उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर. इससे हमारी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय होती है. तो इस वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रनऑफ. एग्रीकल्चर रनऑफ कैसे, जैसे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर है बहुत सारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है. तो वो क्या होता है, ये केमिकल बह के हमारे आसपास की वाटर बॉडीज में चले जाते हैं या फिर ये वाटर के साथ में हमारे अंडर वाटर के अंदर रिसीड हो जाते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे यूट्रिफिकेशन, जहाँ पे क्या होता है यूट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे वाटर बॉडीज के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होने की वजह से उसके ऊपर एल्गी फैल जाती है पूरे वाटर बॉडीज के अंदर. जिससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एल्गी वाटर सरफेस के ऊपर होगी तो वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का को कंज्यूम करेगी. तो इस वजह से क्या होता है, जितना भी हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम उस वाटर बॉडीज के अंदर होता है तो वो डिप्राइव हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए. तो इससे क्या होता है, हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डाई मतलब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं एक्सेसिव एल्गी की वजह से. जबकि एक्सेसिव एल्गी होती किसकी वजह से है, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज के अंदर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट रिलीज हो कर दिए गए हैं. तो इसलिए एग्रीकल्चर रनऑफ भी काफ़ी हद तक हमारे वाटर बॉडीज के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है. नेक्स्ट इज म्यूनसिपल सीवेज एंड वेस्ट वाटर. जनरली अर्बन एरियाज के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सीवेज वाटर है उसको अनट्रीटेड फॉर्म में हमारे आसपास की वाटर बॉडीज या रिवर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है, इसे हमारा जो वाटर बॉडीज के अंदर है बहुत सारा पैथोजेंस, बैक्टीरिया और अदर कंटेमिनेटर वाटर सोर्सेज के अंदर मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे जल्दी क्या होता है, इसकी वजह से हमारा वाटर बॉर्न डिजीज राइज होने का खतरा रहता है. ठीक है, जैसे डायरिया, हैजा आर द एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज. तो इसलिए जो अनट्रीटेड म्यूनसिपल सीवेज और वेस्ट वाटर है वो का हमारी वाटर बॉडीज के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है. ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होता है. नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स. जल्दी आपने देखा होगा कि एक्सीडेंटल और इंटेंशनल ऑयल स्पिलेज होती है आपके बड़े बड़े ऑयल टैंकर से, ऑफशोर ड्रिलिंग रिजिस से. ठीक है, या फिर अदर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज के दौरान हमारी जो सी के अंदर है जब ऑयल स्पिलेज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी वाटर सरफेस के ऊपर एक बहुत किलोमीटर के दायरे के अंदर ऑयल स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, इसकी वजह से हमारे प्लांट्स, एनिमल, शोर लाइन और जो हमारी इक्वेटिक इकोसिस्टम वो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है. बिकॉज ये है उनके हैबिटेट और मैराइन लाइफ को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर देता है. ठीक है, तो इसलिए ऑयल स्पिलेज भी हमारी वाटर बॉडीज के लिए, जनरली हमारे ऑफशोर वाटर बॉडीज के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजेबल है. नेक्स्ट इज प्लास्टिक एंड ट्रैश. इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक एंड अदर सॉलिड वेट मटेरियल कैन रिजल्ट इन द एक्युमुलेशन इन द वाटर बॉडीज. प्लास्टिक डू नॉट रेडिएबली बायोडिग्रेड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मैरिन डिब्रिज एंड डेंजर मेरीन लाइफ. ठीक है, हमने देखा होगा कि हम जैसे हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, वो जल्दी नेचुरली बायोडिग्रेड नहीं हो सकता. ठीक है, तो
जंगली लोग क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज के अंदर भी हमारा बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट या सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे वाटर बॉडीज के अंदर मैराइन डिब्रीज बनना शुरू हो जाती है प्लास्टिक डिपोजिशन की वजह से, जिससे क्या होता है, यह हमारे मैराइन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय अवर मैराइन लाइफ थ्रू द एंटेंगलमेंट और इंजेशन, बिकॉज प्लांट फिशीज को या फिर हमारे अदर मैराइन लाइफ को नहीं पता होता कि हाउ हार्मफुल प्लास्टिक कैन बी। समटाइम दे इंजेस्ट इट, समटाइम दे गोट एंटेंगल्ड इन टू द प्लास्टिक वेस्ट दैट लीड टू देयर डेथ। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा प्लास्टिक और ट्रैश वेस्ट है वो भी हमारे वाटर बॉडीज पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मेजर कारण है। नेक्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, जब हमारे रेन के साथ में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिल जाते हैं, तो इससे इससे वजह से क्या होता है कि हमारा जो रेन वाटर है उसका पीएच गिर जाता है। ठीक है, उसका पीएच 6.5 से कम हो जाता है, तो हम उसे एसिड रेन डिनोमिनेट करते हैं। तो ऐसा जल्दी क्या क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जल्दी रिलीज होते हैं हमारे कम्बशन प्रोसेस के थ्रू या इंडस्ट्रियल एमिशंस के थ्रू, हमारी हवा में मिल जाते हैं। तो जब रेन होती है तो रेन के साथ घुल के नीचे ग्राउंड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एसिड रेन की वजह से हमारी वाटर बॉडीज का क्या होता है, पीएच लेवल डाउन हो जाता है। तो जब पीएच लेवल वाटर का डाउन होगा तो इससे क्या होगा, हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा, और जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वाटर के अंदर वो हमारी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पावर प्लांट या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो वाटर यूज होता है, ठीक है, उनको जब विदाउट कूलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारने से पहले ही उसको हीटेड फॉर्म में ही जब हमारी वाटर बॉडीज के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे हॉट वाटर इंजेक्शन की वजह से हमारी वाटर बॉडीज का टेम्परेचर राइज हो जाता है। और जबकि हमें पता है कि जो हमारी मैराइन लाइफ है या मैराइन इकोसिस्टम है दैट इज हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे इक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, इससे हमारा इट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज दैट आर हाईली सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। सबसे पहले आता है हमारा इकोलॉजिकल इंपीरियड। तो जो वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या है, हमारा जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से हमारे इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। जनरली इंडस्ट्रियल केमिकल, एग्रीकल्चर रनऑफ और अनट्रीटेड सीवेज मोटर हमारी वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज है उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारा क्या है, हैबिटेट टू मैराइन स्पीसीज इज डिग्रेडेड। ठीक है, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट और फिशीज के लिए जो जिंदा रहने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ग्रेजुअल रेट से गिरना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन। वाटर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कंटामिनेट द ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। ठीक है, दैट कैन क्रिएट ए हैवॉक ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जब हमारी वाटर बॉडीज को पोल्यूट किया जाता है तो उस वजह से क्या होता है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज भी काफी हद तक पोल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जिससे हमारे बहुत सारे पैथोजन, केमिकल पोल्यूटेंट, हैवी मेटल हमारी वाटर बॉडीज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी वाटर बोन डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इशू या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू जनरेट होते हैं। नेक्स्ट इज हार्म टू मैराइन लाइफ। पोल्यूटेंट लाइक ऑयल स्पिलेज, प्लास्टिक डिब्रीज और या फिर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट का किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर होना हमारी मैराइन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑयल स्पिल्स क्या करती है, हमारे जो मैराइन एनिमल्स हैं उनके फीडर्स और फर्स को के ऊपर एक कोटिंग कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे एनिमल्स या तो आइदर सांस नहीं ले पाते या फिर उनको हाइपोथर्मिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इट मेक देम अनेबल टू स्विम और फ्लाई। इवन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी हमारे मैराइन एनिमल्स के लिए खतरनाक है। सम टाइम मैराइन एनिमल्स इंजेक्ट द प्लास्टिक एट द अलोंग विद देयर फूड। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, इंटरनल इंजरीज हो जाती है, सम टाइम दे स्टार्व टू द डेथ ऑल्सो। जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है सच एज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, जो कि जल्दी हमारे एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की वजह से हमारी वाटर बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारे वाटर बॉडीज के अंदर एक एल्गी बहुत ज्यादा जल्दी फैलना शुरू हो जाती है, और जो एल्गी होती है वो हमारे वाटर के अंदर से हमारी ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से क्या होता है, जो मैराइन लाइफ एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन को फेस करती है,
sometime it can create a dead zone in the water bodies. Next is water scarcity and depletion. ठीक है, pollution can impair the quality and availability of fresh water. जनरली क्या है कि pollution की वजह से हमारे जो fresh water resources है वो हमारे contract होते जा रहे हैं. ठीक है, जनरली chemical contamination या excessive water withdrawal from for the industrial and agricultural processes can lead to the water scarcity. जनरली ऐसे एरिया जहाँ पे हमारे नदियाँ या फिर नहरें नहीं है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा वाटर को ग्राउंड से विड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, इस वजह से क्या होता है, उस एरिया के अंदर हमारी वाटर स्कैसिटी जनरली फेस होती है. तो जिस वजह से क्या होता है, हमारे हम एक्सेस टू द क्लीन वाटर सेफ वाटर ऑल्सो हैम्पर्ड ड्यू टू सच काइंड ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. की वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए. फर्स्ट वन इज सीवेज एंड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर इज क्रूशियल फॉर द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेट फ्रॉम द वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम बैक इन टू द वाटर बॉडीज. ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जनरली क्या करता है, इसलिए गवर्नमेंट जनरली जगह जगह पर सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोवाइड कराती है. ठीक है, इन प्लांट्स में क्या होता है, हमारे सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजी. ठीक है, थ्रू वेरियस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हमारे वाटर के अंदर से पोल्यूटेंट्स को निकाला जाता है और उस वाटर को दोबारा रीयूज किया जाता है. तो इसके लिए गवर्नमेंट इज जनरली कैरिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कि आपको वाटर को पहले डिस्चार्ज करने से पहले आपको यू हैव टू ट्रीट देम प्रॉपरली सो दैट इट डू नॉट हार्म द एक्वेटिक इकोसिस्टम और द डू नॉट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट. गवर्नमेंट कैन इंप्लीमेंट एनफोर्स द रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन. दिस रेगुलेशन कैन लिमिट द पोल्यूटेंट डिस्चार्ज वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस. ठीक है, गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट्स को वाटर बॉडीज को या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए सो दैट एक लिमिट एक कैप लगानी चाहिए कि आपके वाटर डिस्चार्ज के अंदर कित पोल्यूटेंट का लेवल क्या होना चाहिए. ठीक है, आपकी वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग को इंश्योर करना चाहिए और इफ समवन इज नॉन कंप्लायंट विद द रूल एंड रेगुलेशन दैट मस्ट बी पेनलाइज. जनरली जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोसेसेस है एग्रीकल्चर सेक्टर हैं उनको बाध्य किया जाना चाहिए कि वो रूल और रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें ताकि हमारे पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर बेस्ट प्रोसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस. प्रमोटिंग द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैन हेल्प द रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन. ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हमारे सस्टेनेबल प्रोसेसेस को प्रमोट किया जाना चाहिए जिसकी वजह से हमारे वाटर पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज को मिनिमम से मिनिमम किया जाना चाहिए. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, हमारी एग्रीकल्चर रन ऑफ की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. इसके अलावा हमें एडवांस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या उसको प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, इन यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड. ठीक है, आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड कि आपकी जो फार्मिंग प्रोसेसेस है उनके अंदर आपका फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज ना किया जाए. ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहे हैं कि यूज नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड इन योर एग्रीकल्चर so that water pollution can be avoided. Even it also help in reducing the soil pollution also. Next is industrial pollution prevention. Industries should adopt the cleaner production methods, implement pollution control technology and optimize their processes to minimize the water pollution. Industries ko generally cleaner production methods ko implement karte hain, they must use the optimum technology so that water pollution can be reduced in their processes. Even the industries should treat and recycle the water waste water before discharging them into the our water bodies. With the help of sustainable production methods, water pollution can be decreased in the our industrial processes. Next is
स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, व्हाट इज एक्चुअली स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट? इफेक्टिव स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैन हेल्प प्रिवेंट द पोल्यूशन फ्रॉम द एंट्री द वाटर बॉडीज. दिस इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन पॉन्ड एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैप्चर एंड ट्रीट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ. ओके, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से हम हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर हम पोल्यूटेंट्स की एंट्रीज को ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, हम सेडिमेंटेशन पॉन्ड बनाते हैं या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं सच एज रेन गार्डन, परमिएबल पेवमेंट. ठीक है, इसकी वजह से क्या आता है, जब हमारा आसपास से पानी बह के आता है, जब वो हमारा परमिएबल पेवमेंट्स के थ्रू पास होके वाटर बॉडीज के अंदर एंटर करता है, तो हमारे पोल्यूटेंट है वो हमारी वाटर बॉडीज के अंदर एंटर नहीं हो पाते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो ही हमारे पोल्यूटेंट को ब्लॉक करता है या हमारे स्टॉर्म वाटर को ट्रीट करना शुरू कर देता है बिफोर एंटरिंग देम इनटू द आवर वाटर बॉडीज. दिस हेल्प इन द ट्रीटिंग द आवर स्टॉर्म वाटर. नेक्स्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन. रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस अमंग द यूथ इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर कंजर्वेशन रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ द वाटर पोल्यूशन. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी पब्लिक है उसको अवेयर करना चाहिए कि हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या है और उसकी वजह से हमें क्या खतरा है. ठीक है, उसके लिए उनको टाइम टू टाइम अवेयर किया जाना चाहिए कि आपके एरिया के अंदर किन किन पॉसिबल रीजंस की वजह से आपका वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है. जनरली जो एजुकेशन कैंप होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल्स को एनकरेज करते हैं टू अडोप्ट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज प्रॉपर वाटर डिस्पोजेबल, रिडक्शन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक. ठीक है, हम छोटी छोटी चीजें जैसे बैन ऑन द प्लास्टिक्स, ठीक है, अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन आवर एग्रीकल्चर, केमिकल पेस्टिसाइड को की जगह हमें नेचुरल मेन्योर्स का इस्तेमाल करना चाहिए. इस तरीके से स्मॉल स्मॉल स्टेप क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. इट इवन हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉटर and it help in the reducing the water pollution in our social life. Next is international cooperation. जैसे क्या है कि water एक हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी आधार है. ठीक है, तो इसके लिए international cooperation का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि international cooperation जनरली हमारी transboundary pollution को कम करने में बहुत ज़्यादा helpful है. ठीक है, जनरली collaborative efforts, agreement and framework between the countries can help in sharing the information, resources, best practices can be shared between the countries so that water pollution or any kind of pollution can be prevented and controlled successfully. Thank you for watching this video. Please stay updated with us for more videos. Thank you very much.